नमस्कार, मैं कुमार आर्यन अखबार आपका फिर से स्वागत करता हूँ रील नीति के आज के संस्करण में। इतने सालों से हमें जिस चमत्कार का इंतजार था वो हो चुका है। जीवन के पहिए में कंकड़ जैसी फंसी मानवता को मुक्त करने का समय आ गया है। कल लड़की की एक लाश के बाद आज एक और लाश बरामद हुई है, और आज जिस वेब सीरीज को हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है अभय। अभय का तीसरा सीजन Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पर आ चुका है और दर्शक अभय के तीसरे सीजन को भी उतना ही प्यार दिखा रहे हैं जितना उन्होंने पहले दो सीजन को दिखाया था। केन घोष इस वेब सीरीज के निर्देशक हैं। इस वेब सीरीज में कुणाल केमू के साथ विजय राज अहम भूमिका में निभाई दे रहे हैं। अभय की तीसरी सीजन की अगर हम बात करें तो इस सीजन की जो कहानी है वो इसके इर्द गिर्द घूमती है कि मोक्ष के नाम पर लगातार हत्याएं हो रही है, और अभय प्रताप सिंह इस हत्याओं की गुत्थी को सुलझाने के लिए आगे आते हैं और कहीं ना कहीं अपने अतीत में भी घूम जाते हैं। अपने अतीत से लड़ते हुए और मोक्ष के नाम पर जो हत्याएं हो रही हैं उसको उसके जो पर्दाफाश अभय करते हैं वो इस सीज़न की हाईलाइट है, और कुणाल खेमू से ज़्यादा विजय राज को इस सीज़न में ज़्यादा प्यार दिखाया है दर्शकों ने। इसकी एक वजह यह है कि विजय राज इस सीज़न में विलन के किरदार को निभा रहे हैं, और जितनी आसानी से उन्होंने विलन के किरदार को पर्दे पर दिखाया है लोग उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। कुल इसके टोटल 8 एपिसोड हैं। यदि आप क्राइम सस्पेंस थ्रिलर के फ़ैन हैं, आप ये देखना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं अभय एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो आपको अपनी सीट पर से हिलने तक की अनुमति नहीं देगा। अभय का तीसरा सीज़न Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर रहा है, आप इसे जाके देखें और हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह वेब सीरीज़ कैसी लगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं कुमार आर्यन अभी के लिए आपसे लेता हूँ अलविदा। धन्यवाद।